स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम बनाएंगे मिर्ची, अदरक और लहसुन का मिक्स अचार, जो कि हर खाने के साथ आप खा सकते हैं और स्वाद बढ़ा देता है ये अचार खाने का। तो हमने लहसुन और अदरक मिर्ची ले लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है। तो इसमें क्या क्या डालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया और मेथी, मंगरेल ये ले लिया है मिक्स। तो धनिया जैसे अगर 2 चम्मच है तो मेथी और मंगरेल 1-1 चम्मच होगा, और सरसों होगा 1 चम्मच, ये रेशियो होगा। और सब एक साथ, जब ये सब सरसों बाद में डालेंगे जब सारी चीज़ें आप भून लें, तो इनको भून कर जब ठंडा हो जाए तो इसको पीस लेंगे। तो हमने मिर्ची को इस तरह से काट लिया है, अदरक को भी, लहसुन को भी, और इसको जो पीस लिया हमने, भुना था मसाला, वो पीस लिया है। हल्दी, मिर्ची और नमक ले लिया है। अब इसको एक बॉल में डाल के सारी चीज़ें और सब जितने मसाले हैं सब इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये खाने के साथ टेस्ट को बढ़ा देता है, खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है। आप थोड़ा सा ले लीजिए तो अच्छा लगता है खाना। तो अगर बना के रख लेंगे थोड़ा सा तो कभी भी खा सकते हैं। इस तरह से हम सारे मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। और ये जल्दी ख़राब नहीं होता, इसको कांच के बर्तन में रख दीजिए। अगर बॉटल कांच की है आपके पास जार, उसमें रख दीजिए, और बनाने के बाद 1-2 दिन इसको धूप दिखा दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर धूप दिखा देंगे तो धूप में रखने से सब मिक्स हो जाता है और वो एक दूसरे में मसाला, मिर्ची, लहसुन, अदरक में। इस तरह भून कर आप मसाला पीस के रख लीजिए बॉटल में, जब बनाना हो तो अपना फटाफट बन जाता है, देर नहीं लगती। और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। तो ये तेल गर्म करके लाई हूँ, गर्म तेल डाल देंगे इसमें। और अगर आपकी इच्छा है तो सिरका भी डाल सकते हैं, विनेगर। तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरसों डाल रखी है हमने, उससे ही खट्टापन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा अचार तैयार हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।